जय श्री कृष्ण। नई नवेली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ठेठ मारवाड़ी डिश लाई हूँ जो कि गाँव में बहुत बनाई जाती है। हम जैसलमेर से है, वहाँ पे बहुत बनाई जाती है ये। स्पेशली आखा तीज और आखा बीज पे बनाई जाती है। एक दिन मूंग चावल के साथ, एक दिन मूंग चावल बनाए जाते हैं, एक दिन ये खीच बनाया जाता है। ये साबुत गेहूं और साबुत मूंग के साथ बनाया जाता है जिसमें गुड़ और हींग का फ्लेवर होता है। गुड़ ऑप्शनल होता है, कई लोग डायबिटीज की वजह से गुड़ नहीं खाना पसंद करते, तो गुड़ ऑप्शनल है। आप उसमें डालें या ना डालें वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इसमें गुड़ को आइए मैं आपको अपनी सामग्री से मिलवाती हूँ। ये हमारे पास गेहूं जिनका हमने छिलका उतार दिया है कूट के, इसको मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। साथ में ये मूंग, ये भी है एक कप, ये गेहूं भी है एक कप। इन दोनों को मैंने पानी में एक एक घंटा सोक कर लिया था। आप चाहे तो बिना सोक किए भी इसको चढ़ा सकते हैं। साथ में ये हमारे पास आधा कप गुड़ है, ये ऑप्शनल है। कई लोग डायबिटीज वाले होते हैं या कई लोगों को गुड़ का स्वाद नहीं पसंद होता है, तो इसको आप डालें, आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है। साथ में नमक, हल्दी है 1/2 टीस्पून, हींग है 1/4 टीस्पून, साथ में घी हमारे पास है ये लगभग 2 टेबल स्पून है। इसमें घी आप जितना डालेंगे उतना ये ज्यादा स्वाद। तो जैसे कि हम घुघरी बनाते हैं तो साबुत गेहूं की घुघरी बनाई जाती है इसी तरह से, लेकिन इसमें जैसे हम बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं तो बाजरे को पहले भिगो के रखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा कूटते हैं, उसका छिलका उतारते हैं, या उसको बोलते हैं देसी भाषा में उसकी लारी निकालते हैं। तो इसी तरह से हम गेहूं को भी थोड़ा सा पानी का छींटा देके उसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे, उसको ढक के रख देंगे, उसके बाद उसको हम आम दस्ते में कूटेंगे, या आप मिक्सी में सिर्फ उसको चर्न करें बंद करें, चर्न करें बंद करें, उसके बाद उसको अच्छे से हाथों से मसल मसल के छान ले, उसके छिलके निकल जाएंगे, उसके बाद उस साबुत गेहूं को हम लोग बनाएंगे। चढ़ाने के लिए इसमें 2.5 से 3 कप पानी गर्म चढ़ाया है, जो पानी बिल्कुल खौलता हुआ है। खौलते हुए पानी में ये बहुत अच्छा बनता है। इस पानी में हम मिला देते हैं हल्दी और नमक। देखिए पानी बहुत अच्छे से खौल रहा है। इसमें मिला देते हैं गेहूं और साथ ही मूंग। अब इसको हमें पकाना है बिल्कुल आराम से। इसको सिम आंच पे हम पकाएंगे, इसको खोलने देते हैं, एक उबाल अच्छा आएगा, उसके बाद इसको हम सिम कर देंगे। ये बिल्कुल तेज आंच पे अभी पक रहा है। इसमें ये जो ऊपर से झाग आ रहे हैं इनको हमेशा निकाल लेना चाहिए, ये झाग बहुत नुकसानदायक होते हैं। ये पुराने टाइम में भी इन झागों को इस तरह से निकाला जाता था जब बर्तन कुकर नहीं हुआ करते थे। आज भी हम घर में दाल बनाते हैं तो इस तरह से उसके ऊपर से ये गोब, इसको बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में झाग बोलते हैं, ये निकाल लेना चाहिए। देखिए इस तरह से आप निकालते जाएंगे तो ये 2 मिनट तक लगातार ऐसा बनते रहेंगे, आप इनको निकालते रहिए। उसके बाद इसको हम बिल्कुल सिम कर देंगे और आधा घंटे तक बिल्कुल सिम पे ये पकती रहेगी। इसके अंदर बीच में आप खोल कर देखें, अगर पानी कम हो तो आप इसमें गर्म पानी थोड़ा थोड़ा, जैसे हम खिचड़ी पकाते हैं उस अब हम इसको ढक देते हैं और बिल्कुल सिम पर इसको पकने देते हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो भारी तले का प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें, या बड़ी भगोनी जिसका तला भारी हो उसमें आप इसको बनाएं तो ये चिपकेगा नहीं। और इसको बिल्कुल सिम पे बनाते हैं। कुकर में यदि बनाएंगे तो कम से कम आपको 8 से 10 विसल्स देनी होगी, उसके बाद उसको थोड़ी देर फिर से खुला पकाते हैं। 1.25 घंटा हो गया है, ये हमारे मूंग और गेहूं अच्छे से पक रहे हैं, बहुत कम इसमें समय रहा है। इसमें इस समय अब हम डाल देते हैं, जब ये आधे से ज़्यादा पक जाते हैं इसमें हम लोग डाल देते हैं हींग और साथ में घी। घी लगभग 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको फिर से पकने देते हैं, क्योंकि अभी गेहूं का पीस पूरा पका नहीं है, हल्का सा अच्छे से दबना चाहिए। देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, ये दब रहा है लेकिन अभी ये बिल्कुल पूरा पक्का नहीं है, तो इसको 5 मिनट और पकाएंगे। ढक देते हैं इसको। देखिए अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं,
ये हमारा बिल्कुल तैयार है खीच इस समय। अब ये बिल्कुल रेडी है, अगर आपको इसमें गुड़ नहीं चाहिए तो ये बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छे से गोट के इसमें 2 टेबल स्पून घी और मिलाएं, उसके बाद इसको परोसें। और हम गुड़ पसंद करते हैं तो हम इसमें ये कुटा हुआ गुड़ मिला रहे हैं। गुड़ की मात्रा आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से मिला के और 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि गुड़ का पानी हो जाए और गुड़ अच्छे से इसके अंदर। ये जो खिच है ये अपने आप में एक फुल मील है, क्योंकि इसमें गेहूं भी है और मूंग भी है, तो ये पूरा आपका एक तरह से खाना हो जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ अटैचमेंट भी होते हैं, जैसे कि इसके साथ छाछ की या दही की कड़ी बनाई जाती है, मूंग बड़ी और मंगोड़ी की सब्जी बनाई जाती है, गवार फली की सब्जी होती है, इस तरह से इसके साथ अटैचमेंट होते हैं। और ज्यादा घी खाने वाले, जो ज्यादा घी से परहेज करते हैं, उन लोगों को ये शायद कम पसंद आएगी, क्योंकि बिना घी के तो खीच का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो घी पसंद करने वाले लोगों के लिए ये फेवरेट डिश हो सकती है। थैंक यू। बिल्कुल तैयार है ये, तो इस तरह से सर्व किया जाता है। ठंडा होने के बाद ये और जम जाता है, इसमें गरम गरम घी डाला जाता है, इसके अंदर बीच में छेद करके इस तरह से। साथ में इसके गुड़ घी परोसा जाता है, साथ में इसके साथ परोसी जाती है मंगोड़ी और ग्वार फली की सब्जी।